सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि Redmi ने इंडिया की मार्केट में कुछ दिनों पहले Redmi K20 एंड Redmi K20 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जो एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आते थे। बट फाइनली दोस्तों, अब Redmi K20 का सक्सेसर यानी कि Redmi K30 भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रंट साइड पर। और दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Redmi K30 स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब तक और किस प्राइस में लॉन्च किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप भी सबको जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें एक पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, जिसके अंदर डुअल फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जैसे हमें गैलेक्सी S10 प्लस स्मार्टफोन पर देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, अभी तक तो कोई कन्फर्म ये नहीं पता चला है कि मोबाइल फोन पर हमें क्या चिपसेट मिलेगा, लेकिन लीक्स और रूमर्स की माने तो दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें 7 सीरीज का चिपसेट मिलेगा, यानी कि Qualcomm Snapdragon 7 सीरीज का चिपसेट मिलेगा, जो 5G सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अभी तक ये चिपसेट भी लॉन्च नहीं किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, ये स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आएगा। वही ये स्मार्टफोन अलग अलग रैम वेरियंट्स में लॉन्च होगा, जैसे कि 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज। तो दोस्तों, ये तो थी परफॉर्मेंस की बात। अगर हम कैमरास की बात करें तो मोबाइल फोन के रियर साइड पर हमें क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो 64MP का होगा, जहाँ हमें सैमसंग G1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 13MP का रहने वाला है, जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर होगा। थर्ड सेंसर 8MP का होगा, जो एक टेलीफोटो लेंस है। और दोस्तों, फोर्थ सेंसर हमें 5MP का मिलेगा, जो एक डेप्थ सेंसर है। ओवरऑल दोस्तों, रियर साइड पर हमें एक अच्छा कैमरे का पैकेज देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले के अंदर हमें डुअल कैमरा मिलेगा। जो मेन कैमरा होगा वो 25MP का होगा। सेकेंडरी कैमरा दोस्तों हमें 5MP का मिलेगा, जो एक वाइड एंगल या डेप्थ सेंसर हो सकता है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में बेहतरीन स्मार्टफोन रहने वाला है। अगर हम पावर बैकअप की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जो फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी और टाइप सी पोर्ट के साथ आएगी। इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि दोस्तों, इस मोबाइल फोन पर हमें कितने वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें 30W या 30W प्लस की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। और दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 और MIUI 11 भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, अगर हम मोबाइल फोन के प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तक तो दोस्तों, मोबाइल फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हो पाई है, लेकिन दोस्तों, ये स्मार्टफोन 2020 के फरवरी या मार्च में तो चाइना की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उसके एक या डेढ़ महीने बाद ये स्मार्टफोन 100% इंडिया की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। अगर दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों, Redmi K30 स्मार्टफोन को 20,000 और 25,000 रुपए के बीच में लॉन्च किया जाएगा, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि दोस्तों, आखिरकार ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब और किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। अगर दोस्तों आप Redmi K30 और अदर स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।